सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रत्येक युग में परमेश्वर नया कार्य करता है और उसे एक नए नाम से बुलाया जाता है। वो भिन्न भिन्न युगों में एक ही कार्य कैसे कर सकता है? वो पुराने से कैसे चिपका रह सकता है? यीशु का नाम छुटकारे के कार्य के वास्ते लिए गया था, तो क्या जब वो अंत के दिनों में लौटेगा तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा? क्या वो अभी भी छुटकारे का कार्य करेगा? ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु एक ही है, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न है? क्या केवल एक नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा होने पर परमेश्वर को भिन्न युग में भिन्न नाम से ही बुलाया जाना चाहिए और उसे युग को परिवर्तन करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस नाम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और प्रत्येक नाम केवल एक दिए गए युग में परमेश्वर के स्वभाव के उस समय से संबंधित पहलू का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसे केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है, इसलिए समस्त युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ऐसे किसी भी नाम को चुन सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि किसी युग में उसके अपनाए हुए हर नाम का एक मतलब है। हर नाम एक युग को कार्य के एक चरण को दर्शाता है। परमेश्वर के नाम उसके कार्य की ज़रूरतों के मुताबिक बदलते रहते हैं, लेकिन चाहे उसके नाम किसी भी तरह बदले, उसका स्वभाव और सार कभी नहीं बदलते। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर होता है। मैं बाइबल के पदों के शाब्दिक अर्थों से चिपका रहता था, अपनी अवधारणाओं में फंसा हुआ। मैं सोचता था कि प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं बदल सकता। फिर मैंने एक फिल्म देखी और परमेश्वर के नामों के रहस्यों को जाना, मेमने के नक्शे कदमों पर चलने की अपनी धारणाओं को छोड़ दिया। मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ था और बचपन से मेरे परिवार ने मुझे बताया था कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धारक है। उसके नाम पर प्रार्थना करके ही मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं डिविनिटी स्कूल गया और हमारे पादरी हमसे अक्सर कहते थे, यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, उसका नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए हमें हर वक्त प्रभु यीशु के नाम को कायम रखना होगा और उसके आने पर यकीनन हमें स्वर्गारोहित किया जाएगा। इन शब्दों ने प्रभु में मेरी आस्था को और भी मजबूत बनाया और मैंने पूरे उत्साह से खुद को खपाया ताकि जब प्रभु आए तो मुझे अपने राज्य में ले जाएं। अप्रैल 2015 में डिविनिटी स्कूल से स्नातक करने के बाद मैंने स्थानीय विश्वासियों को मार्ग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन सेवाओं में बेहद कम लोग आते थे। कलीसिया के प्रबंधक ने देखा कि चरावा कम होता जा रहा है और उससे खर्चे तक निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विश्वासियों को कर्ज देना शुरू कर दिया। जब वे ब्याज समेत पैसे नहीं चुका पाते थे तो वित्तीय अधिकारी उनसे झगड़ा करते थे, फिर तो वे सेवाओं में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहते थे। कलीसिया में नई जान डालने की कोशिश में मैंने सुसमाचार को स्थानीय लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। मैंने विश्वासियों के घरों का दौरा किया और उनके लिए सेवाएँ रखी। साथ ही मैं हफ्ते में 2 या 3 बार व्रत रखता था और प्रार्थना करता था, प्रभु से मेरे काम को बढ़ाने में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहता था। मेरी सारी मेहनत के बावजूद कलीसिया में अभी भी कम लोग आते थे। कलीसिया को ऐसी सुनी हालत में देखकर मेरा दिल कमज़ोर सा हो गया और मेरी आस्था कम होती चली गई। फिर मैंने प्रार्थना करने, धर्मग्रंथ पढ़ने
और व्रत रखने में अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। साथ ही मैंने कुछ धार्मिक फिल्में डाउनलोड करके देखी, लेकिन फिर भी मैं पवित्र आत्मा के कार्य को महसूस नहीं कर सका। मैं तब भी आध्यात्मिक रूप से खाली और अंधेरे में डूबा हुआ महसूस करता था। दुख के मारे मैंने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, बाइबल में लिखा है कि अगर हम तुम्हारे नाम पर मांगेंगे तो तुम हमें जरूर दोगे। कलीसिया दिन ब दिन सुनी होती जा रही है। मैं तुम्हारे नाम पर प्रार्थना करने आया हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? प्रभु, तुम कहाँ हो? शुक्र है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। फरवरी 2016 में एक दिन मुझे यूट्यूब पर बाइबल के बारे में रहस्य का खुलासा नाम की एक फिल्म मिली। उसमें बहुत अच्छे से बाइबल के रहस्य के बारे में समझाया गया था। उसे देखकर मैं बाइबल को एक नए सिरे से समझ पाया और मेरा दिल खुशी से भर गया। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हुई कि वे वचन कहाँ से आए थे, वे बाइबल में नहीं थे। बाद में मैंने वो वीडियो डाउनलोड करके कई बार और देखी। मैंने उसे जितना ज़्यादा देखा मुझे वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगी। संगति पूरी तरह बाइबल के मुताबिक थी। मुझे पता चला कि उसे चमकती पूर्वी बिजली ने बनाया था, इसलिए मैं चमकती पूर्वी बिजली की फिल्में ढूंढता रहा और मुझे परमेश्वर का नाम बदल गया है नाम की फिल्म मिली। उस शीर्षक ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने उसी वक्त उसे डाउनलोड किया और देखा। तकरीबन आधी फिल्म के बाद उसमें कहा गया कि जब अंत के दिनों में परमेश्वर आएगा तो उसका नाम यीशु नहीं बल्कि कुछ और होगा। वो मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मैंने सोचा ये सच नहीं हो सकता। बाइबल में एकदम साफ लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का नाम कैसे बदल सकता है? पिछले 2000 सालों से हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना और काम कर रहा है। यह कभी नहीं बदला। चमकती पूर्वी बिजली कैसे कह सकती है कि परमेश्वर का नाम बदल गया है? फिर मैंने फिल्म में बैन यांग की यह संगति सुनी। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव और उसका सार शाश्वत है और ये बदलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम कभी नहीं बदलेगा। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश भी पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। ये सही है, किंतु ये परमेश्वर के स्वभाव और सार की अपरिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। उसके नाम और कार्य में परिवर्तन से ये साबित नहीं होता कि उसका सार बदल गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहेगा और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी करने में सक्षम होगा? तुम केवल ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा अपरिवर्तनशील है, किंतु क्या तुम ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? यदि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो मानव जाति की आज के दिन तक अगुवाई कर सकता था? यदि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, तो ऐसा क्यों है कि उसने पहले ही दो युगों का कार्य कर लिया है? और इसलिए परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। वचन उसके कार्य को
संदर्भित करते हैं और परमेश्वर अपरिवर्तनशील है उसे संदर्भित करते हैं जो परमेश्वर का अंतर्निहित स्वरूप है। इसके बावजूद तुम 6000 वर्ष के कार्य को एक बिंदु पर आधारित नहीं कर सकते या उसे केवल मृत शब्दों के साथ सीमित नहीं कर सकते। मनुष्य की मूर्खता ऐसी ही है। परमेश्वर इतना सरल नहीं है जितना मनुष्य कल्पना करता है और उसका कार्य किसी एक युग में रुका नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए यहोवा हमेशा परमेश्वर का नाम नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु के नाम से भी अपना कार्य कर सकता है। ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे की ओर प्रगति कर रहा है। फिर बहन यंग ने कहा, मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य के दौरान वो अलग अलग तरह के कार्य करता है और अलग अलग युगों में अलग अलग नाम अपनाता है, लेकिन परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलता। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहेगा। उसका मतलब है इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर का नाम यहोवा है या यीशु, उसका सार वही रहता है। हमेशा एक ही परमेश्वर काम कर रहा होता है। यहूदी फरीसी नहीं जानते थे कि अलग अलग युग में परमेश्वर का कार्य बदलने के साथ साथ उसका नाम भी बदल जाएगा। उन्होंने सोचा कि उनका परमेश्वर, उनका उद्धारक सिर्फ यहोवा है। कई पीढ़ियों तक वे यही मानते रहे कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही एकमात्र उद्धारक है। इसलिए जब परमेश्वर ने यीशु के नाम पर अपना छुटकारे का कार्य किया तो उन्होंने पागलों की तरह उसकी निंदा करके उसका विरोध किया और आखिरकार वे उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने एक घिनौना गुनाह किया था और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। कोई भी परमेश्वर की बुद्धि की था नहीं पा सकता और कोई भी परमेश्वर को सीमाओं में नहीं बांध सकता। अंत के दिनों में अगर हम परमेश्वर के सार को या एकमात्र परमेश्वर के किए गए कार्य को इसलिए नकारते हैं क्योंकि उसने अपना कार्य और नाम बदल लिया है, तो ये बेतुकी और नासमझी वाली बात है। हर युग में परमेश्वर के अपनाए हुए नाम का एक मतलब होता है और वो मनुष्यों का बहुत उद्धार करता है। फिल्म के इस बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का नाम बदल सकता है और बाइबल में लिखे यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है का मतलब परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले सार और स्वभाव से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का नाम और कार्य कभी नहीं बदलेंगे। परमेश्वर के नाम उसके कार्य की ज़रूरतों के मुताबिक बदलते रहते हैं। मैं चीज़ों को बाइबल के सिर्फ शाब्दिक अर्थों से समझता आ रहा था और सोचता था कि परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलेगा। मैंने देखा कि वो मेरी कोरी कल्पना थी। फरीसियों ने जोर दिया कि उनका परमेश्वर यहोवा है और यहोवा नाम कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जब प्रभु यीशु कार्य करने आया तो उनका मानना था कि जिसका नाम मसीह नहीं है वो परमेश्वर नहीं है। उन्होंने बेरहमी से प्रभु यीशु का विरोध करके उसकी निंदा की और आखिर में उसके उद्धार से वंचित रह गए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने नज़रियों को एक तरफ रखकर फिल्म की संगति को ध्यान से सुनना होगा ताकि मैं फरीसियों की तरह अपनी कल्पनाओं की वजह से प्रभु का विरोध ना करूं। फिर मुख्य किरदार ने एक और सवाल उठाया, तो फिर हर युग में परमेश्वर के नाम का क्या मतलब है? मैंने सोचा ये एक बढ़िया सवाल है और ये मुझे भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ ये संगति ताज़ा की थी कि हर युग के लिए परमेश्वर के नाम का एक मतलब है और वो मानव जाति का उद्धार करता है। तो परमेश्वर के नामों का मतलब आखिर क्या है?
ईसाई धर्म के प्रचारकों में से एक बहन फ्रेंग ने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहोवा वो नाम है जिसे मैंने इसराइल में अपने कार्य के दौरान अपनाया था, और इसका अर्थ है इसराइलियों का परमेश्वर, जो मनुष्य पर दया कर सकता है, मनुष्य को शाप दे सकता है और मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। वो परमेश्वर जिसके पास बड़ा सामर्थ्य है और जो बुद्धि से भरपूर है। यीशु इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है वो पाप बलि, जो प्रेम से परिपूर्ण है, करुणा से भरपूर है और मनुष्य को छुटकारा दिलाता है। उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया और वो अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और वो प्रबंधन योजना के केवल एक भाग का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। यीशु का नाम अनुग्रह के युग के लोगों को पुनर्जन्म दिए जाने और बचाए जाने के लिए अस्तित्व में आया, और वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए एक विशेष नाम है। इस प्रकार यीशु नाम छुटकारे के कार्य को दर्शाता है और अनुग्रह के युग का द्योतक है। यहोवा नाम इसराइल के उन लोगों के लिए एक विशेष नाम है जो व्यवस्था के अधीन जिए थे। प्रत्येक युग में और कार्य के प्रत्येक चरण में मेरा नाम आधारहीन नहीं है, बल्कि प्रातिनिधिक महत्व रखता है। प्रत्येक नाम एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। यहोवा व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और वो सम्मान सूचक शब्द है जिससे इसराइल के लोग उस परमेश्वर को पुकारते थे जिसकी वे आराधना करते थे। यीशु अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और उन सब के परमेश्वर का नाम है जिन्हें अनुग्रह के युग के दौरान छुटकारा दिया गया था। यदि मनुष्य अब भी अंत के दिनों के दौरान उद्धारकर्ता यीशु के आगमन की अभिलाषा करता है और उसके अब भी उसी छवि में आने की अपेक्षा करता है जो उसने यहूदिया में अपनाई थी, तो 6000 सालों की संपूर्ण प्रबंधन योजना छुटकारे के युग में रुक गई होती और आगे प्रगति न कर पाती। इतना ही नहीं, अंत के दिनों का आगमन कभी न होता और युग का समापन कभी न किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु सिर्फ मानव जाति के छुटकारे और उद्धार के लिए है। यीशु नाम मैंने अनुग्रह के युग के सभी पापियों के खातिर अपनाया था, और ये वो नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं पूरी मानव जाति को समापन पर ले जाऊंगा। फिर बहन फ्रेंक ने संगति करते हुए कहा, व्यवस्था के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था, वो उसके प्रतापी स्वभावों, क्रोध, साफ और दया को दर्शाता था जो उसने उस युग के लोगों पर व्यक्त किया था। परमेश्वर ने अपना कार्य व्यवस्था के युग में यहोवा नाम से शुरू किया था। उसने नियम बनाए और आज्ञाएं जारी की और पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन को राह दिखाई।
उसने उनसे सख्ती से नियम का पालन करने और उसकी आराधना और स्तुति करने को कहा। नियम का पालन करने वालों पर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह होता, जबकि नियम तोड़ने वालों को पत्थर फेंक फेंक कर मार दिया जाता था, स्वर्गीय आग से जला दिया जाता था। इसलिए व्यवस्था के तहत आने वाले इसराइलियों ने उसे पूरी तरह कायम रखा और यहोवा के नाम को पवित्र माना और हजारों सालों तक यहोवा की दिखाई राह पर चलते रहे। व्यवस्था के युग के अंत तक लोग अधिक से अधिक भ्रष्ट और पापी बन चुके थे और नियम का पालन नहीं कर पा रहे थे। हर किसी पर नियम तोड़ने के लिए दंड पाने का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु के नाम से छुटकारे के कार्य का चरण शुरू किया। उसने व्यवस्था का युग खत्म करके अनुग्रह का युग शुरू किया। अनुग्रह के युग में यीशु ने प्रेम और दया का स्वभाव व्यक्त किया। उसने मनुष्यों पर असीम अनुग्रह बरसाया। आखिर में मनुष्यों को शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद मनुष्य ने यीशु के नाम पर प्रार्थना करना, यीशु के नाम को पवित्र मानकर आराधना करना और परमेश्वर से क्षमा और असीम अनुग्रह पाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के कार्य के पिछले दो चरणों से हम देख सकते हैं कि हर युग में परमेश्वर के अपने हुए नाम का खास मतलब है। वे उस युग में परमेश्वर के कार्य और उसके व्यक्त किए हुए सब आपको दिखाते हैं। अनुग्रह के युग में परमेश्वर के आने पर अगर उसे यीशु के बजाय यहोवा कहा जाता तो परमेश्वर का कार्य व्यवस्था के युग के साथ ही रुक जाता। भ्रष्ट मानव जाति को कभी भी परमेश्वर के हाथों छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि नियम का उल्लंघन करने के लिए उसकी निंदा की जाती और उसे दंड मिलता। उसी तरह अगर अंत के दिनों में प्रभु का नाम यीशु ही रहता तो भ्रष्ट मानव जाति को सिर्फ अपने पापों के लिए माफ़ी मिलती। इंसान कभी शुद्ध होकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जाति के पापों को प्रभु यीशु के हाथों छुटकारे के जरिए माफ़ कर दिया गया है, लेकिन उसकी पापी प्रकृति वैसे ही है। लोग लगातार पाप करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। उन्हें परमेश्वर ने पूरी तरह प्राप्त नहीं किया है, इसलिए अन्य के दिनों में परमेश्वर दोबारा देह धारण करता है और नई चरण का कार्य करके प्रभु यीशु के कार्य की बुनियाद पर मानव जाति का न्याय करता है और उसे स्वच्छ बनाता है ताकि मनुष्य को पापों से पूरी तरह बचाया जा सके। उसने राज्य का युग शुरू करके अनुग्रह का युग खत्म कर दिया है। परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ गया है और युग बदल गया है। अब उसका कार्य अलग है, उसका नाम भी उसी हिसाब से बदल गया है। तब मैंने सोचा, तो जब परमेश्वर हर युग में नया नाम अपनाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है। हर नाम एक युग को दर्शाता है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर का अपनाया हुआ नाम यहोवा परमेश्वर के प्रतापी स्वभावों, क्रोध, साप और दया को दर्शाता है। अनुग्रह के युग में उसका अपनाया हुआ नाम यीशु उसकी दयालुता और प्रेमपूर्ण स्वभावों को दर्शाता है। अंत के दिनों में परमेश्वर शुद्धिकरण और मानव जाति के पूर्ण उद्धार के कार्य करने आता है। जब परमेश्वर का कार्य बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर के नामों में इतने सारे रहस्य छुपे हैं। मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो देखना जारी रखा। उसके बाद बेन फ्रैंक ने संगठित करते हुए कहा कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और प्रकाशित वाक्य 1:8 का संदर्भ दिया। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। साथ ही प्रकाशित वाक्य 11:16-17 कहता है, तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुँह केवल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। प्रकाशित वाक्य में और भी कई भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे कि 4:8, 16:7 और 19:6, जो कहती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नया नाम सर्वशक्तिमान होगा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है। मैंने पक्का करने के लिए इसे सुनते हुए अपनी बाइबल की पन्ने पलटे और पता चला उन सभी में सर्वशक्तिमान नाम है। हैरान होकर मैंने सोचा, तो अंत के दिनों में परमेश्वर का नाम बाइबल में बहुत पहले से साफ साफ लिखा हुआ था, और प्रकाशित वाक्य में 4 जीवित प्राणी रात दिन परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहते रहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे थे। सर्वशक्तिमान नाम का जिक्र और भी कई जगहों पर है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों से बिल्कुल मेल खाता है। मैं इतने साल से प्रभु में विश्वास करता रहा और बाइबल को इतना अधिक पढ़ा है, इन सब रहस्यों पर मेरा ध्यान कैसे नहीं गया। मैंने देखना जारी रखा और सुसमाचार फैलाने वाले एक किरदार को ये कहते हुए देखा, परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है और उसके किए हुए हर एक काम का बहुत महत्व होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम अंत के दिनों में उसके कार्य और उसके व्यक्त किए हुए स्वभाव को पूरी तरह दर्शाता है। जब तक परमेश्वर खुद हमारे सामने ये रहस्य उजागर नहीं करता, तब तक हम इन्हें समझ नहीं सकते। चाहे हमने कितने भी साल बाइबल पढ़े हो, फिर उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीहा भी कहा जाता था, और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे, किंतु आज मैं वो यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वो परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है, वो परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है, और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। ये वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्यों के बीच में छिपा हुआ है। वो सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे, और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वो उद्धार करता हूं
जो वापस लौट आया है, और मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है, और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में ये मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा ये स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें, और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इसराइलियों का परमेश्वर नहीं हूं, और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं, मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। फिर उसने संगति करते हुए कहा, अंत के दिनों में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से राज्य के युग का अपना न्याय का कार्य करता है। वो पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने की मनुष्य की शैतानी प्रकृति को उजागर करने के लिए और हमारे अवज्ञा और अधार्मिकता का न्याय करने के लिए सत्य को अभिव्यक्त करता है, ताकि इन वचनों के जरिए हम अपनी प्रकृति और अपने सार को जान सकें, ये देख सके कि शैतान ने हमें कितना अंदर तक भ्रष्ट कर दिया है, हम अपने भ्रष्टाचार के मूल वजह को समझ सके और परमेश्वर के स्वभाव को जान सके जो धार्मिक है और जिसका अपमान नहीं किया जा सकता। वो हमारे स्वभावों को बदलने का तरीका भी बताता है, ताकि हम बुराई को छोड़ सके, सत्य की राह पर चल सके, अपने स्वभावों को बदल सके और परमेश्वर हमें बचा सके। परमेश्वर मानव जाति का न्याय और शुद्धिकरण करने, हमें हमारे किस्म के आधार पर बांटने, अच्छे लोगों को इनाम देने और बुरे लोगों को दंड देने, भ्रष्ट मानव जाति को पाप से पूरी तरह बचाने और परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना को पूरा करने आया है। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने धार्मिक, प्रतापी, क्रोधी स्वभाव के साथ आया है जो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने खुलकर दिखा दिया है कि उसका अंतर्निहित स्वभाव क्या है और उसके पास क्या है और सभी के लिए वो क्या है। वो मानव जाति की सारी भ्रष्टता और अधार्मिकता का न्याय करने और तारना देने, हमें पाप से पूरी तरह बचाने और मनुष्य को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए आया है। वो चाहता है सब देखे कि उसने ना सिर्फ सभी चीज़ें बनाए हैं बल्कि वो सभी चीज़ों पर राज भी करता है। वो सिर्फ मानव जाति की पाप बलि नहीं था, बल्कि वो हमें पूर्ण करने, बदलने और शुद्ध बनाने में भी सक्षम है। वही पहला है और वही आखिरी भी है। कोई भी उसकी चमत्कारी शक्ति या उसके कर्मों की था नहीं पा सकता। इसलिए अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम ही सबसे सही है। उसके नाम से प्रार्थना करने वाला और उसके वचनों को पढ़ने वाला कोई भी इंसान पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और कार्य पा सकता है और ज़िंदगी भर के लिए परमेश्वर के भरपूर पोषण और सिंहासन का आनंद पा सकता है। धार्मिक दुनिया अब सुनी होने की कागर पर है। लोगों की आस्था कम हो रही है, वे कमज़ोर है और धर्मनिरपेक्ष चीज़ों की चाह रखते हैं। उपदेशों के पास कुछ नहीं बचा और लोग प्रार्थना करने नहीं आते। ऊपर से ज़्यादा लोग दुनिया के मोह माया में फंसते जा रहे हैं। वे मेमने के साथ साथ नहीं चले
और जीवन के जल या पोषण नहीं पा सकते। वे अंधकार में चले गए और राह से भटक गए। ये देखना मेरे लिए बहुत रोमांचक था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वाकई वचन बहुत अधिकार से कहे हैं। खासकर ये ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज़ नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज़ नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। ये वचन परमेश्वर के प्रताप और उसकी धार्मिकता से भरे हैं। परमेश्वर के अलावा कोई भी इतनी भरी पूरी बात अधिकार और प्रताप के साथ नहीं कह सकता। मुझे पता था ये परमेश्वर की वाणी है कि प्रभु यीशु सच में लौट आया है। मैंने बहुत जी जान से सेवा की थी और घरों के दौरे किए थे ताकि विश्वासी प्रभु की बात सुने और सेवाओं में आए। मैंने हफ्ते में 2 या 3 बार व्रत भी रखे और प्रार्थना भी की, लेकिन कलीसिया में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरे खुद की आस्था भी कम होने लगी थी और मैं प्रभु को अपने साथ महसूस नहीं कर पा रहा था। अब मुझे पता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से परमेश्वर मानव जाति का न्याय और शुद्धिकरण करने के लिए एक नए चरण पर कार्य कर रहा है। प्रभु के हम विश्वासी लोग परमेश्वर के नए कार्य से अनजान थे। हमें परमेश्वर के मौजूदा वचनों का पोषण या पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं मिला था। हम अंधकार में चले गए थे। सिर्फ अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार को अपनाकर उसके नाम पर प्रार्थना करके और उसके वचनों को पढ़कर ही हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और कार्य पा सकते हैं। फिल्म के आखिर में उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। यहुआ के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक, ये 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन के पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं और वे सब एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और वही अंत है, वही प्रथम और अंतिम है, और वही एक है जो युग का आरंभ करता है और वही एक है जो युग का अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के 3 चरण अचूक रूप में एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इन 3 चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए ये समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। तब मुझे और ज़्यादा समझ आया कि यहुआ, यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी एक ही परमेश्वर हैं। हर युग में परमेश्वर का नाम अलग है और वो अलग कार्य करता है, लेकिन वो हमेशा लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक कार्य करता है। सिर्फ परमेश्वर ही इन रहस्यों को सामने ला सकता है, और मुझे पूरा यकीन था कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट कर आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को अपनाने का मतलब प्रभु यीशु को धोखा नहीं देना है, बल्कि इसका मतलब मेमने के नक्शे कदमों पर चलते रहना है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों से मिला, उनके साथ इकट्ठे होकर और संगति करके मैंने कुछ सत्य को समझा और मेरी आस्था में जो बहुत सी उलझनें थी वे सुलझ गई। मुझे बहुत सारा आध्यात्मिक पोषण मिला है। मुझे वाकई लगता है कि मुझे सिंहासन के सामने ले जाया गया है और मैं मेमने की दावत में शामिल हुआ हूँ। मैं दिल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।